लो जी, तो दूजा क्वेश्चन आ गया। हेठ लिखिया विचों हरेक विचों एक्स का गुणांक लिखो। एक्स ही दो का गुणांक लिखना। एक्स ही दो का गुणांक मतलब एक्स ही दो कि गुणा हैगी। हम इतने एक्स ही दो है, इतने आजगा एक्स ही दो का गुणांक ये आ गया एक आ गया, क्योंकि एक्स ही दो मेरे कुछ नहीं है, इतने एक आएगा। देखो मान लो आपको कितने एक्स लिखा है, कितने एक्स ही दो लिखा, कितने एक्स ही दो वाई लिखा, इतने एक्स ही दो वाई जेड आ गया। इन सारे के मोहरे कुछ नहीं है, इतने एक है, इतने भी एक है, इतने भी एक वा, इतने भी एक, इतने भी एक। ये मोहरे कुछ नहीं है, उतने एक होगा। ये समझ लो हूँ एक्स ही दो का गुणांक एक आ गया। हूँ अगे आ गया एक्स ही दो का गुणांक ये आ गया, ये आ गया बराबर माइनस एक। ये आ गया माइनस एक, क्योंकि माइनस आ गया और कुछ नहीं है, इतने कुछ नहीं है, इतने एक आ गया। ठीक है जी, हूँ इतने एक्स ही दो का गुणांक की आ गया बराबर आ गया पाई वटा दो, ये मोहरे पाई वटा दो आ गया। हूँ इतने एक्स ही दो है ही नहीं, ये तो मतलब एक्स ही दो का गुणांक जिथे ना हो, एक्स ही दो का गुणांक की होगा, गुणांक जीरो है। ये ख्याल रखो इस चीज़ का पॉइंट। ठीक है जी, दोबारा फिर देख लो ये पॉइंट आप समझ लेते हैं ना भाई। ये एक्स ही दो कला लिखे है मतलब मेरे एक है। हाँ देखो जिद कित एक्स लिखा उत्थे कुछ नहीं, इतने एक गिनती हैगी है, मतलब एक्स ही दो का गुणांक एक आएगा। एक्स ही दो मेरे कुछ नहीं है, ये मतलब उत्थे एक है, एक्स ही दो का गुणांक एक आ गया। एक्स ही दो बाई आ गया तो प्रश्न का गुणांक यदा भी एक है, एक्स ही दो बाई एडा गया यदा गुणांक क्या होगा एक आएगा। इस पॉइंट पहला क्लीयर कर लो, होर बाकी कुछ नहीं है। हूँ इतने एक्स ही दो का देखो ध्यान एक आ गया, इतने एक्स ही दो मेरे कुछ नहीं है, माइनस तो है लिखा माइनस है गया, इतने कुछ नहीं इतने एक है। हूँ एक्स ही दो मेरे पाई भी पाई पाई बड़ा दो है, पाई मान लो इतने मेरे माइनस होता फिर ना माइनस भी आ जाना सी। हूँ इतने एक्स ही दो वाली रकम है ही नहीं है, वर्ग में दो एक्स माइनस एक आ गया। यह मतलब जे एक्स ही दो नहीं हैगी इतने ये जीरो हैगी रकम नहीं हैगी, मतलब जीरो हैगी फिर एक्स ही दो का गुणांक कि आ गया जीरो है। एक्स ही दो का गुणांक कि है फिर वो जीरो आएगा जी रकम नहीं हैगी, मान लो क्योंकि आप एक्स ही दो का गुणांक ये रकम हैगी एक्स ही दो है नहीं, एक्स ही दो का गुणांक जीरो आ जाएगा। आप गल समझो चीन बी वो रकम ही बच्चे है नहीं, यद मतलब रकम जीरो हैगी, मतलब एक्स ही दो का गुणांक वो जीरो ना गुणी हुई है, यद मतलब एक्स ही दो का गुणांक है जीरो है। यह पॉइंट समझ लो, उस तो बाद आप अगर चलते हैं। लो जी अगला क्वेश्चन आ गया, पैंती घात दे दो पद अते घात सौ दे एक पद। आ देखो एक पद ते दो पद, पहला एक पद ते दो पद समझो, एक पद की आऊगा ते पर एक पद कितना आऊगा पहला समझ लो, फिर तुम क्वेश्चन क्लियर। एक पद हों जो एक्स आ गया, तीन एक्स आ गया, पांच वाई आ गया, सत्त आ गया, ठीक है ये सारे एक पद आ गए। ठीक है जी, ये सारे की है एक पद ही आ गए। ठीक है इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी, उस तो बाद आप अगे चलिए, फिर दो पदी दो पदियों दो पद आएंगे, जिदा तीन जमा एक्स आ गया, एक जमा एक्स ही दो आ गया, मतलब दो ही होने चाहिए। ठीक है एक्स ही दो जमा एक्स आ गया, एक्स ही सौ जमा एक्स ही दस जमा पाँच आ गया, पद दो आ रहा है ये चीज़ समझो। वाई दो जमा पाँच आ गया, वाई दो जमा वाई आ गया, वाई जमा सत्त आ गया, वाई माइनस तीन आ गया, ये सारियाँ दो पदी है। यह चीज़ पता समझो, क्लीयर होगा पॉइंट। एक पद में सिर्फ एक ही रकम आनी हैगी, ठीक है तो जिहड़ियां दो पदी हैगियां उस दो दो रकम आनी है, कोई भी आ सकदी दो, इस तरह वो दो पद आ रहे। तीन पदी जिहदे विच तीन तीन आ जाणगियां, मान लो इतने सत्त मान लो वाई आ गया, इतने एक आ गया, इतने वाई की दो आ गया। हुण लग गई समझ इस चीज़ पहले समझो एक पद की हैगा, दो पदी कहड़ियां हैगियां, तीन पदी कहड़ियां हैगियां, हो गया क्लीयर पॉइंट। हुण बस आप क्वेश्चन ते आईए, पैंती घात दा तर्क, पैंती घात दे दो पद, पैंती घात दे दो पद दा पैंती घात ते दो पद उहदी दो पदी आपां लभणी हैगी जिहदे च घात पैंती आवे, ताकत मतलब पैंती आवे रकम दे विच। ठीक है जी, कोई भी आ सकदा है। आपां लिखदे हां इत्थे वाई दी पैंती जमा एक्स लिख लो जमा पंज लिख लो, ये भी चल जाएगा। ठीक है फिर भी आ सकदा दो वाई दी पैंती जमा वाई, ये भी चल जाएगा। तीजा वाई दी पैंती जमा वाई दी पांच, ये भी चल जाएगा, कुछ भी आ सकता।
ठीक है, ए एक्स च भी आ सकता हैगा, इदा भी आ सकता हैगा, आंसर उही चली जाता। मैं तुम तरीका दसदा भी कि आंसर हो सकते हैं। मान लो एक्स 35 आ गया, ठीक है, जमा 7 आ गया, ये भी दो पद हैगी है। एक्स 35 जमा एक्स लिख दो, जहाँ इतने मोहरे दो पा दिए कोई रौला नहीं है, दो भी पा सकते हैं। मतलब एक्स की वो तो वह ताकत जी है 35 होनी चाहिए, ये चीज़ है। और क्लीयर हो गया सुन सारे, ये देख लो 35 घात का मतलब हैगा वो ताकत जी हैगी किसी चल दी एक्स वाई की किसी की भी वो तो वह 35 आए, 35 तो वह ना हो। ठीक है जी, ये तो एक आ गया पहला। हम पहले का आंसर आप लिख लीए 35 की घात के दो पद, ये आ गया। मान लो आप आ गया एक्स 35 आ गया जमा 3x आ गया, दो पद आ गए, दो पद ही दो पद होने चाहिए है, क्योंकि घात 35 हैगा। एक्स की ताकत वध तो वध जां वाई ताकत इदा भी लिख सकते हैं। दूजा हैगा वाई की 35 पा के -3 कर दौ, तां भी चल जाएगा। ठीक है, फिर 2y की 35 -7 कर दौ, जां जमा इतने वाई कर दौ, जिहड़ा मर्जी आंसर लै लो, ये सारे आंसर ही हैगे जी। ठीक है, हुण उस तों बाद आ गया घात 100 दे एक पदी, घात 100 आवे एक पद चाहिए हैगा, सैकंड का की हैगा घात 100 एक चाहिए हैगा, सौखा है भी एक ही आना कोई। एक्स ही 100 लिख लो, ठीक है जी, या वाई की 100 लिख लो, ठीक है, ये ना दो पा लो, आ सकता 3 पा लो, इतने 3 पा लो, जिहड़ा सारे आंसर ही हैगे है। ठीक है, ये भी आंसर हो गया, आ भी हो गया, जहाँ जेड की 100 आ गया, ठीक है, इतने 2 आ गया, तो भी चल जाएगा। ओके, पता लग गया, तुसी कोई एक याद कर लो, आ कर लो, आ कर लो, आ कर लो। मैं थोड़ा दसता भी घात 100 हो, घात 100 का मतलब उसे एक्स वाई की कीमत 100 हो, ठीक है, तो नाल की आवे एक पद मतलब एक ही पद आ गया जी, एक चेक लगाना, इतने दो पद ही सी, इतने दो पद बनाने पे, पर एक्स की 35 घात हैगी, वो तो वह ताकत जी एक्स की 35 या वाई जो भी लिखना उन्हें 35 होनी चाहिए, वध नहीं होनी चाहिए। अगर वध गई उदू बाद प्लस भावें इतने एक्स 34 लिख दौ, इतु घट आ सकती है जी, एक चीज़ समझ लो। हम मेरे ख्याल सारा क्लीयर हो गया, हम पॉइंट जोड़ा है, उस तो बाद आप अगर चलते लो जी। उस तो बाद आ गया हेठा लिखे बहुपद, हरेक बहुपद की घात लिखो, पहला आ गया 5x 3 जमा 4x 2 जमा 7x आ गया, इतने की आ गया बहुपद की घात लिखने की जी सब तो वध ताकत होगी एक्स की जां वाई की जो भी है। आप चल देखना एक्स चल च लिखी है, इतने चल एक्स है गया, एक्स की वो ताकत कितनी हैगी 3 हैगी, चलता वो तो वह घात कि आ गया 3 आ गया। हम एक मैं हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता, वैसे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। मान लो आप कि आ गया 5x 3 आ गया जमा 7x 4 आ गया, गुणा आ गया 5x आ गया, फिर आ गया आप 8x 100 आ गया। ठीक है, आप देखना इन्होंने सारे एक्स की वो घात करी आ गई 100 आ गई, 100 आ गई तो मतलब एक्स जो चलता वो तो वह घात कि घात कि आ गया 100 आ गया, ये लिखना से हम पता लग गया। आप पहले देखना सारे बड़े अगर तरतीज पहले आ गई एक्स 3 आ गई एक्स 2, जो ना हो कई बार मिक्स करके लिखी होंगी हैगी। आप देखना वो तो वह एक्स की पावर कि हैगी वाई की पावर कि है जी, मान लो ये एक्स में हैगी जो वाई हैगी देखनी हैगी भी उन्होंने सब तो वह पावर इन्होंने कि हैगी है, ये सारे पावर है 100 हैगी तो 100 आएगी, चलता वो तो वह घात अंक 3 है, घात अंक पावर है इन्हों की। ठीक है जी, हम 4 - y2 इतने वाई कहता है वाई की 2 आ गया, चलता वध तो वध घात अंक कितना हैगा 2 है। ठीक है, इतने टी आ गया, टी ताकत कितनी 1 हैगी है, कि लिखा गया चलता वध तो वध घात अंक 1 है, टी ताकत 1 हैगी। अगे आ गया 3, 3 का इतने की आऊगा, हम कहना इतने को नाल कुछ नहीं, इतने चलता वध तो वध घात अंक कितना हैगा 0, इतने आऊगा एक मिनट देखने खल तक आता पूरा, हाँ ठीक है 3 आ गया, ये तो नाल ही आंसर देने, चलता वध तो वध घात अंक 0 है। ठीक है, जिथे कितने भी नंबर आ गया देखो पहला समझ लो, यदा 7 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है, -5 भी आ सकता, कुछ भी आ सकता, ये की हैगा चल ये जो 7 आ गया अपन इदा लिख सकते 7, 7 गुणा ये आ जाएगा एक्स की ताकत 0,
ਤੇ ਸੀ ਤਾਕਤ 0 ਆਨਸਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ 7x 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 7y 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 7z ਦੀ 0 ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ x 0 y ਦੀ 0 z ਦੀ 0 ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ 3 ਆ ਗਈ 3 ਆ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਇਹਦੀ 2 ਹੈਗੀ 2 ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਟੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਚੱਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤ ਅੰਕ ਇੱਕ ਹੈ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 3 ਆ ਗਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ 7 ਆ ਗਿਆ 9 ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤ ਅੰਕ 0 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਜੇ 7 ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ 7 ਨੂੰ ਲੈ ਤਾਂ 7 ਗੁਣਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ 1 ਨੂੰ ਲੈ ਤਾਂ 7 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਸੀ 0 ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 7 ਐਕਸ ਸੀ 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਤ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕਿੰਨੀ ਆਇਆ ਚੱਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 ਆ ਗਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ 5 ਨੂੰ ਐਕਸ ਸੀ 0 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਨੂੰ ਵਾਈ 0 ਲੈ ਲਓ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਣਾ 5 ਨੂੰ ਜੈਡ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 0 ਆਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਸ 5 ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ